एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। आज आप जो बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, जो इनकी एग्जाम होने वाली है, उनकी डेट शीट फिर से रिवाइज हो गई है और स्टूडेंट बहुत परेशान भी थे। उनकी डेट्स बार बार चेंज हो रही थी। तो जो आपके पहले एग्जाम 10 सितंबर से शुरू होने वाले थे, अब वो 6 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे हैं। और जो आपके ये एग्जाम है, बीएड सेशन 2018-20 के मेन एग्जाम है, 16-18 और 17-19 सेकेंड ईयर के एक्स और बैक स्टूडेंट ने जो भी एग्जाम फिल किए थे, उनके ये एग्जाम जो है 6 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे। ये नोटिफिकेशन अभी आज ही आया है 3 तारीख को, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, और आप CCH यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर भी इसको देख सकते हैं। और इसमें जो टाइमिंग दिया है, वो टाइमिंग है 11 to 1 o'clock। आपका 11 बजे से 1 बजे तक पेपर होगा, जो कि आपका जो ये क्वेश्चन पेपर होगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन 20 में आएंगे, और जिसका पैटर्न अभी कुछ क्लियर नहीं किया है यूनिवर्सिटी ने, लेकिन क्योंकि ये इसमें दिया है सभी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पत्रों के परीक्षा की समय अवधि 2 घंटा रहेगी। तो 2 घंटे में, जो कि पहले 3 घंटे हुआ करती थी, अब 2 घंटे होंगे। तो इसमें जो है आपके शायद क्वेश्चन को रिड्यूस कर दिया जाएगा, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो जाएंगे। तो अब देख लेते हैं आपकी डेट शीट किस तरह से। 6 अक्टूबर को आपका ट्यूजडे में क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल ये वाला पेपर होगा, और उसके बाद जो आपका सेकंड कोर पेपर है वो 7 को नहीं है, उसके बाद 8 को आपका पेपर थर्सडे में है, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। उसके बाद 10th को सैटरडे में नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम का है, फिर 12th में आपका वर्क एजुकेशन, जो ये नया पेपर भी जुड़ा है गांधी जी की नई तालीम वाला, वो पेपर होगा। और उसके बाद 14th वेडनेसडे में आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग वाला आपका पेपर होगा। और उसके बाद 16 में फ्राइडे में जो आपका ऑप्शन, जो भी आपने ऑप्शन इसमें से फिल किया होगा, आपका वो पेपर होगा। और इस तरह से डेट शीट चेंज हो गई है, और आप सभी को आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके अच्छे मार्क्स आए। थैंक यू।